सनशाइन सॉफ्टवेयर के चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये रेड कलर जो है ग्रे कलर में बदल जाएगा, यानी कि आप सनशाइन सॉफ्टवेयर के चैनल से जुड़ गए हैं। फिर उसके बाद आपको बगल में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल का ऑप्शन मिलेगा, ऑल के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। बस आप YouTube चैनल से जुड़ गए हैं और आने वाली जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर डायरेक्ट मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सनशाइन सॉफ्टनेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप लोगों को दिया जा रहा है 45 चावल। तो ये कुल यहाँ पे जो बोरा है, जिसमें से एक बोरा के ऊपर ये साइड में रखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा घुन लगा हुआ था तो इसको साइड में रख दिया गया है। अब ये घुन बोरा के अंदर है या ऊपर से है पता नहीं, लेकिन घुन उसके ऊपर से बहुत सारा घुन था। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि 45 चावल है या नहीं है, किस तरह से दिखता है। तो आप देख सकते हैं ठीक है, ये अरवा चावल है। कुछ जगह पर से मुझे कमेंट आया था कि उनके यहाँ उसना चावल मिल रहा है, तो हो सकता है क्योंकि जहाँ पर पहले उसना चावल ही आया था कई जगह पे, तो जहाँ पर उसना चावल आया है वहाँ पर उसना चावल मिल रहा है, जहाँ पे अरवा आया है वहाँ पे अरवा मिल रहा है। तो ये जो है अरवा चावल है ठीक है, और ये 45 चावल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जो नॉर्मल रहता है वही है। बाकी आप देख सकते हैं यही है, भारत सरकार, और यहाँ पर ये आईडी है, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, और इसका खरीफ है, विपणन वर्ष है 2021 से 2022, बाकी लाइसेंस नंबर भारत में निर्मित, मैन्युफैक्चर इन इंडिया। तो यही है, आप लोगों को क्या मिल गया है चावल, ये 45 चावल जो कहा जाता है या नहीं है वो तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 45 चावल है। बाकी अगर आप लोगों को मिला है तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बस आज के अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही।